Welcome to the series of software engineering. In this particular lecture, we are going to discuss about software process model. Hum samjhenge what is a software process, how it is performed, and then we will discuss what are the software process models. Okay, let us start our discussion with what is a software process. Process hum kise kehte hain? Jab bhi aap koi activity perform karte hain, you need to follow some steps to complete that particular activity. Isi cheez ko hum process ke naam se refer karte hain. जब यही चीज़ हम सॉफ्टवेयर प्रोसेस के नाम से बोलेंगे तो सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए जो सेट ऑफ एक्टिविटीज़ आप यूज़ करेंगे उसको हम लोग बोलेंगे सॉफ्टवेयर प्रोसेस. बट याद रहे, जब भी हम सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं इन द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फेजेस वी नीड टू फॉलो अ स्ट्रक्चर्ड सेट ऑफ एक्टिविटीज़. अगर आज मैं आपको कहूँगी एक प्रोग्राम बनाने के लिए, आप बहुत आराम से उस प्रोग्राम को बना सकेंगे. बट अगर आप वही प्रोग्राम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के रिस्पेक्ट से बनाएंगे, देन यू नीड टू फॉलो स्ट्रक्चर्ड सेट ऑफ एक्टिविटीज़. जो आपके सॉफ्टवेयर के फेजेस हैं आप सबको फॉलो करेंगे, उसके बाद आप उस प्रोग्राम को मुझे डेवलप करके देंगे. इस चीज़ को हम कहते हैं सॉफ्टवेयर प्रोसेस. तो अगर मैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में सॉफ्टवेयर प्रोसेस को समझना चाहूँ तो वी हैव थ्री डिफरेंट टर्म्स जिसके नाम से हम इसको समझ सकते हैं, एक्टिविटीज़, एक्शंस एंड टास्क. इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हम सब काम को एक साथ ना करके ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में करते हैं. तो एक्टिविटीज़ हम किसे कहते हैं? जब आपने अपने प्रोग्राम को लिखना स्टार्ट नहीं किया, आपने अपने सॉफ्टवेयर में क्या क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने वाले हो उसको कलेक्ट किया, तो एक्टिविटी हम किसको रेफ़र करते हैं? जब आप डिसाइड करते हैं कि आपके सॉफ्टवेयर का बजट क्या होगा, आपके सॉफ्टवेयर में क्या कॉम्प्लेक्सिटी होगी, आपके सॉफ्टवेयर का साइज़ क्या होगा, क्या डोमेन होगा, ये सारी चीज़ें जब आप डिसाइड कर रहे होते हैं, यू आर परफॉर्मिंग सम एक्टिविटीज़. ठीक है, आप अभी कोडिंग नहीं कर रहे हैं, बट आप कुछ चीज़ें कलेक्ट कर रहे हैं जो आपके प्रोजेक्ट को बनाने में आपकी हेल्प करेगा, तो इसको हम कहते हैं एक्टिविटी. देन सेकेंड टर्म इज़ योर एक्शंस. एक्शन क्या है? जो भी आपने एक्टिविटीज़ कलेक्ट करी उसके बेसिस पे आप कोई एक्शन परफॉर्म करेंगे. दिस एक्शन कैन बी योर मॉडल जो आप यूज़ करना चाहते हैं, कोई भी आर्किटेक्चरल डिज़ाइन या किसी भी तरह का डिज़ाइनिंग जो आपके प्रोजेक्ट में यूज़ होने वाला है, वहाँ पे हम उसको एक्शन के नाम से रेफ़र करते हैं. ठीक है, एंड थर्ड टर्म इज़ योर टास्क. टास्क मतलब अब आप एक्चुअली परफॉर्मेंस देंगे, अब आप एक्चुअली कोडिंग करेंगे, टेस्टिंग करेंगे और एक्चुअली उस सॉफ्टवेयर को डेवलप करेंगे. तो आपने तीन अलग अलग टर्म्स के रेफरेंस से सॉफ्टवेयर प्रोसेस को डिज़ाइन किया. यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के रेफरेंस से बताऊँ कि अगर मुझे एक प्रोजेक्ट बनाना है विच इज़ अ कैलकुलेटर, तो मैं क्या करूँगी? सबसे पहले एक्टिविटीज़ परफॉर्म करूँगी कि मैं कैलकुलेटर कौन सी लैंग्वेज में बनाने वाली हूँ, क्या कॉम्प्लेक्सिटी होगी, क्या उसमें सिर्फ अर्थमेटिक ऑपरेशंस होंगे या वो अलग अलग तरह के मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी कर सकता होगा. ठीक है, मैं अपने प्रोजेक्ट का साइज़ डिसाइड करूँगी. ये सब चीज़ें मैं कर रही हूँ, दिस आई एम परफॉर्मिंग सम एक्टिविटीज़. देन सेकेंड फेज या एक्शंस में मैं क्या करूँगी? मैं डिज़ाइन बनाऊँगी. मैं या तो एल्गोरिदम्स बनाऊँगी या फ्लो चार्ट्स बनाऊँगी या कोई भी तरह का मॉडल यूज़ करूँगी, वो मैंने एक एक्शन परफॉर्म किया. देन मैं एक्चुअली उस कैलकुलेटर के लिए कोडिंग करना स्टार्ट करूँगी, उसको टेस्ट करूँगी, देन आई एम परफॉर्मिंग सम काइंड ऑफ टास्क. तो ये मेरा सॉफ्टवेयर प्रोसेस है. तो अब ये सॉफ्टवेयर प्रोसेस है तो सॉफ्टवेयर मॉडल किसे कहते हैं? सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल हम किसे कहते हैं? जब आप यही सारे काम करने के लिए कोई सीक्वेंस या कोई रिस्पेक्टिव स्टेप्स फॉलो करें. जब आपके पास बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं करने के लिए, बट यू डोंट नो द सीक्वेंस, द ऑर्डर ऑफ एक्टिविटीज़, देन यू आर नॉट फॉलोइंग एनी मॉडल. तो जब भी हम मॉडल फॉलो करते हैं, वी नीड टू फॉलो सेट ऑफ एक्टिविटीज़ अकॉर्डिंग टू देयर ऑर्डर या अकॉर्डिंग टू देयर सीक्वेंस. तो इसको हम कहते हैं सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल. तो आपका सॉफ्टवेयर कैसे बनने वाला है उसका एक एब्स्ट्रैक्ट वर्जन, उसको हम सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल के नाम से रेफर करते हैं. ओके, आप जो भी सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल पढ़ेंगे वो कुछ चीज़ें, कुछ स्पेसिफिक चीज़ों को आपको डिफाइन करके देगा, जैसे कि द टास्क टू बी परफॉर्म. आपका मॉडल आपको बताएगा कि आपको क्या क्या टास्क परफॉर्म करने हैं. ठीक है, आपका मॉडल आपको बताएगा इनपुट एंड आउटपुट ऑफ ईच टास्क. आप जो भी टास्क परफॉर्म कर रहे हैं उस टास्क में आपको क्या इनपुट मिलेगा और उस टास्क को करने के बाद आपको क्या आउटपुट मिलेगा. ओके, देन द प्री एंड पोस्ट कंडीशंस ऑफ ईच टास्क. ठीक है, कंडीशंस का मतलब क्या है? आपको टास्क को स्टार्ट करने से पहले क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए, क्या एनवायरनमेंट चाहिए, प्री कंडीशंस हैं. टास्क को ख़त्म होने के बाद आपको क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए, क्या रिसोर्सेज रिलीज़ करने हैं, कैसा एनवायरनमेंट होना चाहिए, दैट इज़ पोस्ट कंडीशंस फॉर ईच टास्क. ये भी आपका मॉडल आपको डिफाइन करके बताएगा. ओके, देन लास्ट इज़ द फ्लो एंड सीक्वेंस ऑफ ईच टास्क. हर टास्क के बाद आपका वो टास्क का आउटपुट, नेक्स्ट कौन सा एक्टिविटी परफॉर्म करने वाला है, ये भी आपका मॉडल ही आपको बताएगा. तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपका मॉडल आपको बताता है, जिसके वजह से आप हेल्प कर पाते हैं अपने प्रोजेक्ट को एक सीक्वेंशियल फॉर्म में डेवलप करने के लिए. ओके, नाउ
अभी हम लोग देखेंगे हमारे पास बहुत सारे तरह के मॉडल्स हैं, बट हम किस मॉडल को पिक करें, किस मॉडल को चूज़ करें, उसके लिए मेरे पास कुछ स्पेसिफिक फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट, जब हमारे प्रोजेक्ट का रिक्वायरमेंट कम है या ज़्यादा है, यानी मेरे प्रोजेक्ट में 4 फंक्शनैलिटीज़ हैं या 1000 फंक्शनैलिटीज़ हैं, दैट डिपेंड्स कि मैं कौन सा मॉडल पिक करूँगी। तो मेरे पास ऐसे मॉडल्स भी हैं जो मेरे पास 4 फंक्शनैलिटी के लिए वर्क करते हो, मेरे पास ऐसे मॉडल्स भी हैं जो 100 फंक्शनैलिटीज़ के लिए वर्क करते हो। तो प्रोजेक्ट की क्या रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस पे हम अपना मॉडल पिक कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ योर प्रोजेक्ट का साइज़, ठीक है। आपका स्मॉल स्केल प्रोजेक्ट है, ठीक है, या फिर आपका प्रोजेक्ट बहुत लार्ज स्केल है जिसको बनने में 4 to 5 ईयर्स लगने वाले हैं, तो उसके लिए हमारा अलग मॉडल हम यूज़ करते हैं। प्रोजेक्ट का साइज़ बहुत कम है जो कि विद इन अ मंथ, विद इन 2 मंथ ख़त्म हो सकता है, तो हम कोई और मॉडल पिक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज़ योर प्रोजेक्ट कॉम्प्लेक्सिटी, आपका प्रोजेक्ट कितना कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग डिफाइन करते हैं लैंग्वेजेस जो हम यूज़ कर रहे हैं, जो फंक्शनैलिटीज़ हम यूज़ कर रहे हैं, जो फीचर्स इंटरटैंगल्ड हैं, उनके रिस्पेक्ट में हम लोग कॉम्प्लेक्सिटी को डिफाइन करते हैं। और ये कॉम्प्लेक्सिटी कम है या ज़्यादा है उसके ऊपर हिसाब से हम अपना सॉफ्टवेयर मॉडल पिक करते हैं, ओके। नेक्स्ट इज़ योर कॉस्ट ऑफ डिले, यानी कॉस्ट ऑफ डिले का मतलब क्या है। अगर आपका प्रोजेक्ट 1 साल के अंदर ख़त्म होने वाला था और वो प्रोजेक्ट आपका 2 साल तक स्ट्रेच हो गया, तो आपको कितना कॉस्ट एक्स्ट्रा बेयर करना पड़ेगा, क्या वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराता है या नहीं कराता है। तो ये चीज़ डिपेंड करती है कॉस्ट ऑफ डिले। अगर आपको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवानी है, यानी आप चाहते हैं कि मेरा प्रोजेक्ट अगर 1 साल के बजाय 2 साल के बाद भी मिलेगा तो भी इट्स ओके, तो हम लोग कॉस्ट ऑफ डिले को एक्सेप्ट करते हैं। समटाइम्स हम नहीं करना चाहते, हम टाइम बाउंड होते हैं, तो हम लोग कॉस्ट ऑफ डिले को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसके बेसिस पे हमारे मॉडल्स अलग हो जाते हैं, ओके। देन नेक्स्ट इज़ योर कस्टमर इन्वॉल्वमेंट, आपके मॉडल में आपका कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट कितना है। क्या कस्टमर आपको रिक्वायरमेंट बता के फिर चला गया और आप अपना प्रोजेक्ट बना के उसको लास्ट में डिलीवर करेंगे, या आप चाहते हैं आप प्रोजेक्ट बनाते रहें और कस्टमर बार बार आपके टच में रहे और आपको चेंजेस बताता रहे, उसके बेसिस पे हम मॉडल डिसाइड कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट इज़ फैमिलियरिटी विद टेक्नोलॉजी, आपके डेवलपर या आपकी डेवलपिंग टीम कितनी स्ट्रॉन्ग, कितनी केपेबल है, कितनी स्किलफुल है, उसके बेसिस पे हम अपना मॉडल डिसाइड करते हैं। लेस स्किल्ड वर्कर्स जब आपके पास हैं तो आप कौन सा मॉडल पिक करेंगे, हाईली एक्सपीरियंस्ड टीम आपके पास है तब आप कौन सा मॉडल पिक करेंगे, ओके। एंड द लास्ट इज़ प्रोजेक्ट रिसोर्सेज, आपके पास कितने फंड्स हैं, कितना स्टाफ है, कितने कंप्यूटर सिस्टम्स हैं, उसके बेसिस पर जब आप डिसाइड करते हैं कि आपको कौन सा मॉडल पिक करना है, देन वी यूज़ दीज फैक्टर्स टू डिसाइड कि हम कौन सा मॉडल पिक करें, ओके। इन कमिंग लेक्चर्स वी आर गोइंग टू डिस्कस ईच एंड एवरी मॉडल इन डिटेल इन डिफरेंट लेक्चर्स। दीज आर द सम मॉडल्स, वाटरफॉल मॉडल, वी हैव इंक्रीमेंटल मॉडल, प्रोटोटाइप मॉडल, एंड वी हैव स्पायरल मॉडल एंड सो ऑन। वी विल डिस्कस ईच एंड एवरी मॉडल इन डिटेल इन कमिंग लेक्चर्स। आई होप आप हमें इंट्रोडक्शन क्लियर होगा कि हम सॉफ्टवेयर प्रोसेस किसे कहते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल किसे कहते हैं, और हम आने वाले लेक्चर्स में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। Thank you.